Hello students, hope all of you are well and revise the syllabus of PT1 at your home and enjoying the remedial classes and doing the practice sincerely. Now in my all previous classes, I have completed chapter 1, chapter 13 and exercise 17. Now today in this class, I am going to be start exercise 7B of linear equation in a one variable. Dekho, in this exercise, there are all the word problems. In these word problem, first of what we have to do, first of all, we have read the given problem carefully. Carefully, usko one or two times problem ko read karna hai. Then problem ko read karne ke baad, usko kya karna hai? Aapko linear equation in one variable mein convert karna hai. और आफ्टर कन्वर्टिंग इन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड देन प्रोसीड द क्वेश्चन इज सेम एज इट इज इन द प्रीवियस एक्सरसाइज 7A. नाउ लेट अस स्टार्ट विद एक्सरसाइज 7B क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. देखो आपके पास बुक सबके पास है, क्वेश्चन सबको मैं भेज चुका हूँ पहले, ठीक है? तो मैं बोर्ड पर क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, इज इट? देखो क्योंकि इसमें टाइम ज्यादा लगता है तो आप क्वेश्चन बुक में देख सकते हैं. अगर ज्यादा लग रहा है तो मैं लिख दिया करूंगा. देखो ट्वाइस अ नंबर व्हेन डिक्रीज बाय 7. देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा है ट्वाइस अ नंबर व्हेन डिक्रीज बाय 7 गिव्स 45. तो फाइंड द नंबर, तो इसमें क्या करेंगे हम इस केस में, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स. ओके, अब क्या कहा है, देखो ट्वाइस अ नंबर व्हेन डिक्रीज बाय 7, मतलब ट्वाइस अ नंबर मींस 2x डिक्रीज बाय 7 माइनस 7 गिव्स कितना 45. हो गई क्वेश्चन तैयार, हो गई या नहीं हो? देखो बट ट्वाइस अ नंबर व्हेन डिक्रीज बाय 7 गिव्स 45, तो यू कैन फाइंड इट बिल्कुल सेम एज इट इज. 2x इज इक्वल्स टू माइनस 7 है, इधर ट्रांसपोज करेंगे कैसा हो जाएगा, प्लस का 45 प्लस 7, तो 2x इज इक्वल टू कितना आ गया 52 एंड x इज इक्वल्स टू 52 अपॉन 2 दैट इज 26. Therefore, required number is equal to 26. I think no need to write down the question. अगर आप चाहो तो लिख देता हूँ क्वेश्चन. इसमें कहा था twice a number when decreased by 7 gives 45. Clear? अब देखो इसमें एक क्वेश्चन हो रहा है, इसमें सेकेंड क्वेश्चन है कि thrice a number when increased by 5. देखो thrice a number मतलब नंबर का thrice a number increased by 5. 5 gives 44. तो वही let नंबर बी एक्स थ्राइस का नंबर मींस 3x. आगे क्या है इसमें, इंक्रीज बाय 5 मतलब इंक्रीज बाय मींस 3x प्लस 5 गिव्स कितना 44. फाइंड द नंबर, यू कैन सॉल्व दिस इक्वेशंस सेम वे. हाउ? 3x इज इक्वल टू 44 माइनस 5, तो यू कैन राइट हियर कितना बचेगा 39. Okay, and x is equals to 39 upon 3, that is 30. So required number kitna aa gaya? Required number is equals to 30. Problem very simple hai, thodi si aage aage inka level jo hai wo kya hoga, easy to tough ki taraf chalega, but sirf ek hi zarurat hai, we have to read the problem carefully then solve it. Now look one more. In this questions, what is given here? A number when added to its half. देखो एक क्वेश्चन और है, इसमें कहा है a number when added to its half gives 72. Find the number. मतलब अब नंबर जो है अपने हाफ में एडिट करते हैं, एड करते हैं तो क्या देता है वो 72. तो फाइंड द नंबर. सेम देखो, लेट द नंबर बी x. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर एडिड किसमें, इट्स हाफ. इट्स हाफ कितना हुआ, एक्स अपॉन टू गिव्स 72. सॉल्व कर दो, ये बना गया 2 एलसीएम 2x प्लस एक्स इज इक्वल टू 72. 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस, कितना आ जाएगा ये 3x इज इक्वल टू 72 इंटू 2. तो x आ गया 72 इंटू 2 अपॉन 3. सिंप्लीफाई कर दो, 3 टू द 6, 3 फोर द 12, एक्स आ गया 48. तो रिक्वायर्ड नंबर कितना आ गया 48. फिर से समझो,
अ नंबर व्हेन एडेड टू इट्स हाफ, एक नंबर को जब उसके हाफ में ऐड करते हैं तो कितना देता है ये 72। तो नंबर क्या हुआ x, इसका हाफ कितना हुआ, हाफ मींस आधा, x plus x upon 2 is equals to 72। LCM लेके सिंपलीफाई कर लिया, बिल्कुल प्रीवियस एक्सरसाइज कितना आ गया 48। सो सिंपल। एंड वन मोर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, सेवंथ है, अ नंबर इज एज मच ग्रेटर देन 21 एज इट इज लेस देन 71। मतलब एक नंबर जो है जितना 21 से ग्रेटर है उतना 71 से क्या है लेस है, फाइंड द नंबर। सो सिंपल, लेट वही रिक्वायर्ड नंबर बी x। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर इज एज मच ग्रेटर देन 21, मतलब 21 से ग्रेटर है मीन x minus 21 एंड लेस देन 71 मीन्स 71 माइनस कितना हुआ x। सॉल्व कर दो, x इधर ट्रांसपोज कर दो और 21 को उधर ले जाओ, तो 2x इज इक्वल्स टू 92 एंड 92 अपॉन 2 46। देख लो आप चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो, देखो 46 में से 21 माइनस करो कितना बचा 25 और 71 में से 46 माइनस करो तो कितना बचा 25, देखो इक्वल आ गया ना। क्लियर, होप समझ में आए होंगे आपको क्वेश्चन से। देखो हम एक क्वेश्चन और लेते हैं इसमें नेक्स्ट। यस नाउ लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं इसमें, 32-34 प्रॉब्लम से हमारे प्रॉब्लम है, बट जो अलग अलग टाइप की हैं उनमें से मैं एक प्रॉब्लम उठा लिया मैंने, ठीक है। इसमें कहा टू थर्ड ऑफ अ नंबर इज लेस देन द ओरिजिनल नंबर बाई 20, टू थर्ड ऑफ अ नंबर इज लेस देन द ओरिजिनल नंबर बाई 20, फाइंड द नंबर। तो बस इतनी सी बात है, वही काम करेंगे आप, लेट द नंबर बी एक्स, टू थर्ड ऑफ ए नंबर किससे लेस है ओरिजिनल, ओरिजिनल कितना है एक्स, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स माइनस टू थर्ड किसका नंबर का, नंबर क्या है एक्स, कितना बाई 20। बस सिंप्लीफाई कर दो, नीचे वन लगाओ एलसीएम लो, कितना आ गया 3x माइनस 2x अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 20। ओके x इज इक्वल टू 3 इंटू 20 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इसको 60 आ गया, तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल्स टू 60। सो सिंपल, बस हमें प्रॉब्लम को ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद उसको हमें सॉल्व करना है, बस ये ध्यान रखना है। देखो इसने क्या कहा, देखो इन दिस क्वेश्चन व्हाट वी हैव गिवन, 11 क्वेश्चन लिया है, 8 के बाद 9 10 सेम है, मैंने प्रीवियस वीडियो में करवा दिए हैं वो। द फिफ्थ पार्ट ये मैंने पहले भी करवाया था, फिर करवा लो बन सके। इसमें कहा है फिफ्थ पार्ट ऑफ अ नंबर इंक्रीज बाई 5, मतलब फिफ्थ पार्ट ऑफ द नंबर है इंक्रीज बाई 5 इक्वल टू फोर्थ पार्ट ऑफ अ नंबर डिक्रीज बाई 5, मतलब नंबर का फिफ्थ पार्ट जो है इट इज इंक्रीज बाई 5 इक्वल टू द फोर्थ पार्ट ऑफ अ नंबर डिक्रीज बाई 5, फाइंड द नंबर। भाई देखो सीधी सी बात है, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिफ्थ पार्ट ऑफ अ नंबर, नंबर कितना था फिर देखो एक्स, इसका फिफ्थ पार्ट x upon 5, okay? Fifth part of number increase by 5 मतलब plus 5 equal fourth part of a number, fourth part x upon 4 decrease by 5 minus 5, ये बन गई equation। इसको solve कर देंगे, x वाले एक तरफ और बिना x वाले एक तरफ, x upon 5 minus x upon 4 is equal to minus 5 and minus 5, तो ये आ गया LCM 24x माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये देखो 4x में से 5x जाएगा कितना बचेगा 1x, 20 को 10 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा माइनस 200, x इज इक्वल टू 200। सो सिंपल, ओ समझ में आया होगा आपको। नाउ लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 12। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, फाइंड टू कॉन्जिगेटिव नेचुरल नंबर हूज सम इज 63। देखो कॉन्जिगेटिव नंबर क्या होते हैं जो एक के बाद एक आता है, ऐसा सपोज 10 है, 10 के बाद क्या आएगा 11, 11 के बाद 12, मैंने कहा 20, 20 कॉन्जिगेटिव क्या होगा 21, अगर मैंने कहा 100, 100 का कॉन्जिगेटिव क्या होगा 101, मतलब एक नंबर के बाद जस्ट नेक्स्ट नंबर आना प्लस 1 कर देते हैं कॉन्जिगेटिव।
अगर कॉन्जुगेट भी तीन टाइप के होते हैं, सिंपल कॉन्जुगेट नंबर, नेचुरल नंबर्स, या इवन या ऑड. तो पहले का क्वेश्चन डिफरेंट है. पहले 12 क्वेश्चन है, फाइंड टू कॉन्जुगेट नेचुरल नंबर, मतलब टू कॉन्जुगेट नेचुरल नंबर है हूज सम इज 63. देखो तो लेट किया आपने फर्स्ट कॉन्जुगेट नंबर, कॉन्जुगेटिव नंबर एक्स, तो सेकंड क्या हो जाएगा, वन जोड़ देंगे एक्स प्लस वन. फिर टू की बात हुई है तो हमने दो ही लिया, अगर थ्री कहता तो थर्ड क्या हो जाता, एक्स प्लस टू. बस हमने दो लिए हैं, तो ध्यान रखना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स इन दोनों का सम 63. क्लियर, एक्स और एक्स, टू एक्स, और इस वन को उधर ट्रांसपोज कर दो, तो 2x इज इक्वल टू 62 एंड 62 अपॉन 2 दैट इज 31. देखो नंबर आ गया 31, x 31 आया, तो फर्स्ट नंबर आ गया 31 और सेकंड नंबर आ गया 31 में 1 प्लस कर देंगे दैट इज 32, और इन दोनों को प्लस करके देख लो 31 प्लस 32 कितना आएगा 63, दैट इज द आंसर. क्लियर, देख लो आप नोट कर सकते हो इसको, समझ में आया आपको ये क्वेश्चन. अब देखो एक नेक्स्ट है, इस क्वेश्चन में क्या कहा है आपको, देखो ये भी ऐसे ही है, बस देखो इसमें कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर की बात हुई थी. नेचुरल नंबर मैंने आपको बताई दिया कि नेचुरल नंबर्स में जस्ट नेक्स्ट, जैसे मैंने कहा था 100 का नेचुरल नंबर क्या होगा नेक्स्ट 101, 9 का कितना होगा 10, 8 का कितना होगा 9. अब यहाँ पर बात हुई है कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, पॉजिटिव की बात हुई है, तो पॉजिटिव में लेट कर लेंगे फर्स्ट फर्स्ट इंटीजर ऑड हुई है एक्स प्लस वन, और सेकंड ऑड हुआ है तो एक्स प्लस थ्री. आप 2x और 2x प्लस टू भी लेट कर सकते हो, ठीक है, अलग अलग भी हम लेट कर सकते हैं. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व कर दो इनको, भाई दो ही है ना, और नेक्स्ट ऑड होता तो एक्स प्लस फाइव कर लेते, जितने कहता है कि छोड़ के ऑड ऑड नंबर वाले मतलब, और जैसे मैंने कहा कि फोर इवन नंबर है, तो इवन का नेक्स्ट कॉन्जुगेटिव क्या होगा, फाइव नहीं सिक्स होगा, सिक्स का एट, एट के बाद टेन, तो ऑड है, ऑड का फाइव है, फाइव के बाद कितना होगा सेवन, सेवन के बाद नाइन, तो ऐसे ही एक्स प्लस वन एक्स प्लस थ्री. अब इन दोनों को प्लस कर दो, एक्स प्लस वन एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू 76. ओके नाउ यू कैन सिंप्लीफाई इट, एक्स एंड एक्स, टू एक्स, थ्री एंड वन, फोर, 76. क्लियर, अब आपका कितना आ गया देखो, ये 76 माइनस 4, तो 2x कितना आ गया 72, और x आ गया 36. क्लियर, तो फर्स्ट आ गया आपका नंबर, या फर्स्ट इंटीजर आ गया, छोड़ो सिंपल लिखो, फर्स्ट आ गया 36 प्लस 1 दैट इज 37. ओके, और सेकेंड वैल्यू पुट की है बस हमने 36 प्लस 3 39. क्या हम सही हैं गलत हैं चेक कर सकते हो, 96 यस इट इज करेक्ट. ओ समझ में आया होगा आपको, अगर यहां पर ऑड के प्लेस पर इवन होता तो आप कुछ नहीं करते, आप यहां x प्लस 2 और x प्लस 4 ले लेते. जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना आपका, इसमें देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें आपको 14 क्वेश्चन है, मैं बताता हूँ हल्का समझा देता हूँ आपको. इसमें कह रहा है फाइंड थ्री कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इवन इंटीजर, सम 90 है, तो देखो कितने हैं इसमें, थ्री हैं, तो एक हो गया x प्लस 2, एक x प्लस 4 और एक x प्लस 6, इनका सम कितना हो गया 90, ये आ गया 90 सम. और इसको सॉल्व कर लो, देखो x x x कितना हो गया 3x प्लस 6 एंड 4 10 एंड 2 12, ये 12 आ गया. देखो 4 एंड 6 10 12 को उधर लेके माइनस कर दो, 90 माइनस 12 कितना बचेगा, मैं इसको यहां कर रहा हूं, देन पहले यहां आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 78 अपॉन 3. दिखा दे रहा होगा बोर्ड आपको, 26 आ गया x, मतलब फर्स्ट नंबर x 26 आते ही कितना आ गया, फर्स्ट नंबर आ गया x प्लस 2 था तो 26 प्लस 2 दैट इज 28, सेकेंड
26 प्लस 4 दैट इज 30, और थर्ड आ गया आपका 26 प्लस 6 32। इन सबको प्लस करके देखना 90, और आंसर इज द राइट। तो देखो मैंने आपको 12 करवा दिया, 33 और 14 भी, इसमें इवन की बात हुई, इसकी बात हुई थी इवन की, तो आप इनको समझ के कर सकते हैं, ठीक है, और इनको अच्छे से प्रैक्टिस करो। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस नाउ एक्सरसाइज 7 भी देखो, क्वेश्चन नंबर 14 तक मैंने करवाए, अब देखो 15 क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है बट है इजी। इसमें क्या कहा है देखो, इन दिस क्वेश्चन डिवाइड 184 इनटू टू पार्ट्स। देखो क्वेश्चन को हमें अगेन एंड अगेन पढ़ना है, क्वेश्चन के अंदर ही रिजल्ट छुपा होता है, इक्वेशन जो बनकर आएगी वो क्वेश्चन से ही बनकर आएगी। तो डिवाइड 180 इनटू टू पार्ट्स सच दैट 1/3 ऑफ फर्स्ट पार्ट, यानी कि फर्स्ट पार्ट का कितना 1/3 ऑफ फर्स्ट पार्ट में एक्सीड 1/7 ऑफ द अदर पार्ट बाई 8। तो देखो 184 को करना है, तो लेट फर्स्ट पार्ट कितना हो गया x, ओके तो सेकेंड पार्ट आ जाएगा 184 माइनस x। क्यों भाई, सपोज आपको 10 रुपीज को दो लोगों को देने हैं, एक को 6 दिए, दूसरे कितने देंगे, सीधी सी बात है 4 माइनस कर देंगे, अगर एक को x दिए तो दूसरे कितने दोगे 10 माइनस x। तो इन द सेम वे हमने भी यहां ये किया, फर्स्ट पार्ट x हो गया, तो सेकेंड पार्ट कितना हो गया 184 माइनस x। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सो 1/3 ऑफ वन पार्ट, तो 1/3 वन पार्ट कितना x, x से ज्यादा है, कितना 1/7 किससे सेकेंड पार्ट बाय 8। बस इसको सॉल्व कर लो, जो सॉल्व करके आएगा वो हमारे क्या होंगे आंसर्स होंगे, क्लियर। देखो एलसीएम आ गया कितना 21, यहाँ जाएगा 3/7 का 21, 7x माइनस 3 इंटू 184 माइनस x इज इक्वल्स टू 8। 21 को मल्टीप्लाई कर दो और 3 को इस ब्रैकेट में, 184 इधर कितना हो गया देखो 552, आप चाहे तो मल्टीप्लाई करके देख सकते हो इसको 552, माइनस इंटू माइनस प्लस 3x इज इक्वल्स टू 21 इंटू 8, ये आ गया आपका, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बाद में करवाऊंगा, अभी लिख कर रख लिया इससे कि टाइम बच जाएगा, इसलिए मैंने इसको पहले नोट कर दिया था, ठीक है, नहीं तो भाई क्वेश्चन नोट करने में ही 2-3 मिनट लग जाते हैं तो वो टाइम बच जाता है, तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। अब देखो 7x और 3x कितना हो गया 10x, 21 8 का 168, और इसको जाके प्लस कर दो कितना हो गया 552, ओके ये आ गया 10x इक्वल टू, इन दोनों प्लस कर दो 8 एंड 2 10 720, ये आ गया 72, बस हो गया। तो फर्स्ट पार्ट आ गया कितना 72 और सेकंड पार्ट आ गया 180 माइनस 72, तो आप यहां 180 में से 72 माइनस कर दो तो आपको मिल जाएगा ये 108, और इन दोनों को प्लस करके देख लो तो कितना आएगा 10 भाई 72, तो ये आ गया आपका प्लस करके, नहीं ये आएगा आपका यहाँ पर 8 एंड 2 10, 6 एंड 5 11 एंड 12, 5 एंड 1 6 एंड 7 120, सही है ये 72 आ गया, तो 108 और 72 को प्लस किया तो 184, तो इन दोनों को प्लस करने पर कितना आ रहा है 180, ठीक है। इसमें 180 में से भी हमारे पास दोनों को सम कितना था 184, इसको 184 में से मैंने माइनस किया तो ये आ गया 2, इसका आंसर सही निकला था, मैंने इसको 180 में से माइनस कर दिया, क्योंकि ये ना वेरीफाई नहीं हो रहा था जोड़ने पर, तो वेरीफाई हो गया, ये कितना आ गया 112, क्लियर, इसलिए इसको हम दोबारा चेक किया क्वेश्चन को, तो ये कितना आ गया 112, ओके होप समझ में आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन। फिर देख लो फर्स्ट पार्ट x, सेकंड पार्ट 184 माइनस x, तो 1/3 ऑफ फर्स्ट पार्ट x इज द 1/7 ऑफ सेकंड पार्ट बाय 8, इसको सिंपलीफाई कर लिया x आ गया 72, फर्स्ट पार्ट 72 और सेकंड पार्ट को 184, तो दोनों सम मैंने ना पहले इसको 180 में से माइनस कर दिया था, ध्यान दीजिए जैसे, तो 184 माइनस 72 112, दोनों को प्लस करके देख लो कितना आएगा 184, क्लियर। देखो मैं इसे रख कर रहा हूं,
अब देखो आपका ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने ना क्वेश्चन पहले ही नोट करके रखा था, इसलिए मैंने आपको बता दिया था कि क्वेश्चन नोट करने में टाइम खराब होता है, इसलिए मैं नोट कर दिया था कि फिर वन बाई वन क्वेश्चन नोट करना पड़ता है, और अगर नोट ना करो तो फिर आपको समझ ही नहीं आएगा, बार बार बताना पड़ता है यहाँ। इसलिए देखो सुमित्रा हैज रुपीज 34, सुमित्रा के पास कितने रुपीज है 34 इन 50 पैसा एंड 25 पैसा कॉइंस, मतलब 50 पैसे कॉइंस है और कितने कॉइंस है 25 पैसे कॉइंस। इफ द नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइंस इज ट्वाइस, मतलब नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइंस है ना वो ट्वाइस है, डबल है किससे, द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइंस है, तो हाउ मेनी कॉइंस ऑफ ईच काइंड 10 है, मतलब दोनों के पास कितने कितने कॉइन है जो मिल जाएंगे 34 बन जाए। तो नाउ लेट अस स्टार्ट विद किसके कॉइंस है 50 पैसे के कॉइंस, तो 25 25 पैसे के जो कॉइंस है वो क्या है डबल है किससे 50 पैसा कॉइंस है, तो हमने लेट किया, लेट नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन इज इक्वल्स टू एक्स, तो देयरफॉर नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइंस जो होंगे कितने जाएंगे भाई, नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइंस होगा देना, तो 50 पैसे कॉइंस को लेट करो एक्स और 25 पैसे के कॉइंस कितने हो गए 2x, 25 पैसे कॉइंस कितने हो गए 2x, क्लियर। देखो नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइंस इज ट्वाइस द 50 पैसा कॉइंस, 50 पैसे और ये 2x आ गए। हां अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या आएगा कि 50 पैसे कॉइंस, अब देखो कॉइंस तो 50 पैसे के एक्स थे, तो कितने रुपीस बन गए या पैसे बन गए, तो या तो इसे देखो पैसे बना लो या रुपीस बना लो, हम इसके पैसे बना लेते हैं, तो कितने पैसे बन गए ये 50x, और ये कितने पैसे बन गए 25 into 2x, कितने पैसे टोटल कितने पैसे 34, मतलब 34 तो रुपीस हैं, इसको पैसे बनाने के लिए करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, या वो आप इनको रुपीस में कन्वर्ट कर दो, ये कितना आ जाएगा एक्स अपॉन टू और ये आ जाएगा 2x upon 4, बात वही है रुपीस बना लो या पैसे बना लो। अब सिंप्लीफाई कर दो 50x प्लस 50x इज इक्वल टू 3400, दैट इज 100x इज इक्वल टू 3400 और x इज इक्वल टू 3400 upon 100, मीन्स x आ गया 34 का मतलब 50 पैसे कॉइंस तो आ रहे 50 पैसे कॉइंस 34 और 25 पैसे कॉइंस आ गए 2 into 34, दैट इज 68। आप चाहे तो इनको वेरीफाई कर सकते हो कैसे भाई, 50 पैसे के 34 कॉइन है, 34 कॉइंस हैं, तो 34 कॉइंस का मतलब हो गया 17 रुपीज और 68 कॉइंस है 25 पैसे के, तो इसको डिवाइड कर दो ये भी 17, कितना हो गया टोटल 34। तो ये तो हो गए आपके 17 का क्वेश्चन, ठीक है अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। यस नाउ लुक क्वेश्चन नंबर 18, देखो इन दिस क्वेश्चन व्हाट इज गिवन हियर, देखो प्रॉब्लम पढ़ो, देखो राजू इज 19 ईयर यंगर, यंगर मींस स्मॉल छोटा देन हिज कजन, किससे अपने कजन से, तो आफ्टर 5 ईयर, अब 5 साल बाद देयर एजेस विल बी इन द रेशियो 2:3, 5 साल बाद जो है उनकी एजेस का रेशियो कितना हो जाएगा 2:3, तो उनकी परसेंटेज बताओ, तो हम क्या करेंगे, हमने लेट किया प्रेजेंट, पी स्टैंड्स फॉर प्रेजेंट एज ऑफ कजन कितनी आ गई एक्स ईयर, ये ईयर है शॉर्ट फॉर्म में, वाई लिख देते हैं इसको, तो देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ किसकी राजू कितनी आ जाएगी एक्स माइनस 19, वाई बिकम्स एक्स माइनस 19 ईयर, क्योंकि इसमें कहा था कि राजू इज 19 ईयर यंगर देन हिज कजन इज इट, तो प्रेजेंट एज ऑफ राजू कितनी आ गई एक्स माइनस 19, नाउ एक्स माइनस 19 क्या हुआ यहां पर इयर्स, वाई आर एस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द इयर्स, नाउ इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन हियर आफ्टर 5 ईयर, मतलब 5 साल बाद, 5 साल बाद देयर एजेस विल बी इन द रेशियो 2:3, तो हम यहां पर हेडिंग डालेंगे पहले, देखो आफ्टर 5 ईयर्स, अब क्या हुआ 5 साल बाद आफ्टर 5 ईयर एज ऑफ कजन, जो कजन था उसकी एज कितनी हो गई, अभी तो एक्स था, अगर आप अभी 10 साल के हो तो 5 साल बाद आफ्टर मतलब बाद कितने साल के हो जाओगे 15 के, तो मतलब हमने प्लस 5 कर दिया, आफ्टर में प्लस करते हैं और बिफोर में माइनस, तो एक्स प्लस 5 हो गया, ठीक है ईयर्स, एंड एज ऑफ राजू कितनी हो गई
भाई एक्स माइनस 19 था पहले और 5 साल बाद, बाद मतलब प्लस 5, दैट इज एक्स माइनस 14 ईयर्स। इतना क्लियर है? नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भाई उसने क्या कहा है, देयर एजेस विल बी इन द रेशियो 2:3। देयर कौन? राजू और कजन, राजू एंड कजन। तो इट मीन्स एक्स माइनस 14 अपॉन एक्स प्लस 5 इज इक्वल्स टू 2:3। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3x माइनस 42 इज इक्वल टू 2x प्लस 10। नाउ सिंप्लीफाई, 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 10 प्लस 42 मीन्स x इज इक्वल टू 52। मतलब यहां पर कजन जो है वो कितने साल का आ गया, 52 का। तो देयरफॉर एज ऑफ कजन कितनी आ गई, 52 ईयर्स। और एज ऑफ राजू कितनी आ जाएगी, भाई राजू के लिए कितना छोटा था राजू, 19 ईयर, तो 19 माइनस कर दो, बस जो आएगा वो आंसर। तो 52 में से 19 माइनस किया तो कितना बचा, भाई 12 में से रह गया 3, 4 में से बन गया 3, 33 ईयर्स। तो ये क्वेश्चन को समझ में आया होगा। नाउ लुक हियर द क्वेश्चन नंबर 20। देखो क्वेश्चन नंबर 19 ना पहले वीडियो में ले गया था, तो पहले जो क्वेश्चंस करवाए थे उसे मैंने आपको करवा दिया था, तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ प्रिफेयर कि जो मैंने फर्स्ट वीडियो में करवाए थे वो आपको ऑड नंबर ऑफ क्वेश्चंस करवाए थे, प्रिफेयर कर रहा हूँ कि इसमें इवन नंबर ऑफ करवाऊँ और जो थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है ऑड वाला भी करवा दूँ। मतलब इससे पहले तो मैंने अब तक मोस्टली सारे सारे क्वेश्चन करवाए थे, ठीक है। देखो अगर सारे क्वेश्चन करो तो वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है, वो सेम डे में। तो एजेस ऑफ सोनल एंड मनोज आर इन द रेशियो 7:5, ठीक है। सोनल और मनोज की रेशियो कितना है, 7:5। एंड 10 ईयर हेंस, 10 साल बाद द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 9:7। मतलब 10 साल बाद जो है उनकी एज का रेशियो कितना हो जाएगा, 9:7। तो फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, तो उनकी प्रेजेंट एजेस बताओ। सेम भाई कौन कौन है, सोनल एंड मनोज, तो लेट करो रेशियो दे रखा है 7:5, तो लेट यहाँ पर जब लोग सॉल्व करोगे तो क्या करोगे यहाँ पर, तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ, भाई रेशो पे रखा है ना, तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ सोनल, भाई हमने इनकी एज का रेशो एक्स लेट कर लिया, 7x हो गई। एंड प्रेजेंट एज ऑफ मनोज, ये सोनल है, ठीक है, और मनोज की हो गई कितनी, 5x ईयर्स, इज इट। अब देखो 10 ईयर हेंस, अब देखो हेडिंग डालेंगे 10 ईयर्स हेंस, हेंस का मतलब क्या होता है, बाद में, हेंस का मतलब भी आफ्टर ही होता है, लेटर, हेंस, आफ्टर, तीनों का मतलब बाद में, 10 ईयर हेंस, 10 साल बाद, 10 साल बाद जो एज है किसकी, सोनल की, कितनी हो जाएगी, अभी तो 7x है, 7x में क्या होगा, 10 ऐड हो जाएगा, मींस 7x प्लस 10 ईयर्स। एंड एज ऑफ मनोज जो है वो कितनी हो जाएगी, 5x प्लस 10 ईयर्स, इज इट। बस नाउ सो सिंपल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वही क्या कहा है, द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी इन द रेशियो 9:7। मतलब 7x प्लस 10 अपॉन 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 9/7। तो यू कैन सिंप्लीफाई इट, आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो वेरी इजली और नॉट, दिस इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, यहां पर कितना आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, इसको इधर 49x प्लस 70 इज इक्वल टू 45x प्लस 19, बस ट्रांसपोज कर दो, 45 इधर आएगा तो 4x इज इक्वल टू 20 और x आ गया 5। एक्स फाइव का मतलब हो गया प्रेजेंट एज ऑफ सोनल, तो सोनल की एज आ गई कितनी, 7 × 5 दैट इज 35 ईयर। तो दूसरा कौन है, मनोज, मनोज की एज कितनी आ गई, 5 × 5 दैट इज 25 ईयर्स। हो समझ में आया होगा आपको ये क्वेश्चंस? यस। नाउ लुक नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। This is a different one. In these questions, what is given? It is given here a number consists of 2 digits. A number consists of 2 digits whose sum is 8.
If 18 is added to the number, अगर 18 number में add करें, तो 8 digits are reversed. तो find the number. देखो हम क्या करेंगे? जैसा suppose करो 18 कोई number है 23. है नहीं तो we can write it 10 into 2 plus 3. फिर 10 plus को 10 से multiply करते हैं. Suppose कोई number AB है. तो 10 into A plus B. मतलब हम 10 plus को A से multiply कर देते हैं. जब reversing की बात आती है, तो we can write it on reversing 32. और can write 10 into 3 plus 2. ठीक है, तो हम इसे ऐसे स्टार्ट करेंगे नंबर को. तो लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स. अब रिक्वायर्ड नंबर से क्या है, नंबर कंसिस्ट ऑफ टू डिजिट है. तो कंसिस्ट ऑफ टू डिजिट का मतलब एक यूनिट प्लेस हुआ और दूसरा कौन सा होगा इसमें, टेंस प्लेस. ठीक है, तो लेट द यूनिट प्लेस बी एक्स. यूनिट प्लेस हमने कलेक्ट कर लिया एक्स. तो टेंस प्लेस कितना हो जाएगा भाई, सम कितना है 8, 8 माइनस एक्स. अब रिक्वायर्ड नंबर, रिक्वायर्ड नंबर को हम ओरिजिनल नंबर भी कह सकते हैं. इसमें क्या होता है, टेंस प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई किया और यूनिट प्लेस को ऐड कर दिया, तो कितना हो गया ये 80 माइनस 10 एक्स प्लस एक्स मीन्स 80 माइनस 9 एक्स. दिस इज द रिक्वायर्ड नंबर. नाउ इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन एज 18 इज एडेड टू द नंबर, द डिजिट्स आर रिवर्स. तो डिजिट रिवर्स करके एक नंबर बना लेंगे. ऑन रिवर्सिंग द डिजिट, रिवर्सिंग डिजिट मतलब डिजिट को रिवर्स करने के बाद न्यू नंबर. तो जो न्यू नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, न्यू नंबर मतलब अभी हमने क्या किया था, टेंथ प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई किया था और यूनिट प्लेस को ऐड कर दिया था. तो देखो यहां से 23 था, तो 10 प्लस 2 था. अब इसको रिवर्स चेंज हो कितना होगा 32. तो 32 में हमने किसे मल्टीप्लाई किया, 10 से. तो यहां किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 into x plus 8 minus x, that is 10x minus 9x plus 8. ये आ गया हमारा एक न्यू नंबर. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या होगा कि इस तरीके से देखो क्या कहा था, इफ 18 इज एडेड टू द नंबर, 18 इज एडेड टू द नंबर, नंबर क्या था हमारा 80 माइनस 9x, क्या ऐड किया 18, देन द डिजिट्स आर रिवर्स. तो रिवर्स का नंबर क्या बनाया 9x प्लस 8. नाउ इट बी कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन अ वन वेरिएबल. ओके, नाउ दिस इज बी कन्वर्ट इनटू अ लीनियर इक्वेशन इन अ वन वेरिएबल एंड नाउ यू कैन सिंपलीफाई इट. 9x की तरफ ले आओ, 9x माइनस 9x, 8 माइनस 18 माइनस 18, क्लियर. इट बिकम्स माइनस 18x इज इक्वल्स टू माइनस 90. माइनस 90 क्यों, 8 में से 18 गया माइनस 10, माइनस 10 और माइनस 80 माइनस 90. तो x इज इक्वल्स टू 90 अपॉन 18, दैट इज 5. x आ गया हमारे पास कितना 5, अभी नंबर तो नहीं आया बट क्या आया x. तो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर क्या था हमारा, ओरिजिनल नंबर 80 माइनस 9. x की वैल्यू पुट कर दो 9 इंटू 5, दैट इज 45. कितना बचेगा 35. 35 को वेरीफाई करके देखें, 35 का सम कितना हो गया देखो, 8 रिवर्स किया तो कितना आ गया 53, और 53 में से 35 का सम कितना आ गया 18. सो आवर आंसर इज द करेक्ट. होप समझ में आया होगा आपको ये. नाउ लुक नेक्स्ट क्वेश्चन. Now look one more question. The question number 26, the also different. A man sold an article for rupees 495. एक आर्टिकल जो है एक आदमी ने कितने का बेचा, 495, and gained 10%. और इसको कितना gain हुआ इस पर 10% on it. तो find the cost price of article. तो हम क्या करेंगे इसमें, let कर लेंगे cost price of article be rupees x. और आपको SP कितना दिया हुआ है rupees 495, गेन कितना है 10%. देखो सीधा सीधा क्वेश्चन ना, फॉर्मूला होता है हमारे पास एसपी का या सीपी का फॉर्मूला लिखते हो आप इसमें. हमारे पास फॉर्मूला होता है सीपी इज इक्वल्स टू होता है 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट इनटू एसपी. सीपी कितना है एक्स, सीधा फॉर्मूला लगा दो 100 भाई, गेन हुआ है 10% ऑन इट,
मतलब आप चाहो तो ये 10x अपॉन 100 भी हो सकता था, देखो एक तरीके से और भी कर दूंगा इस क्वेश्चन को मैं भी, तो 100 प्लस 10 इंटू 495, तो एक्स आ गया 100 अपॉन 110 इंटू 495, तो जीरो कट गई, ठीक है। तो ये आ गया आपका x इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 11 इंटू 495, 11 फोर द 44, बचा 5, 11 फाइव द 450, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल आ गए ₹450। देखो ये ऐसे भी हो गया, इस क्वेश्चन को हम एक तरीके से और भी कर सकते थे, CPX लेट करते हैं। देखो एक तरीका और भी है, लेट CP इज इक्वल टू रुपीज एक्स, तो गेन हो जाएगा 10x अपॉन 100, दैट इज x अपॉन 10, और SP कितना दिया हुआ है 495, तो फॉर्मूला लगा देंगे गेन इज इक्वल टू क्या होता है SP माइनस CP, ठीक है। तो गेन कितना आता है हमारे पास x अपॉन 10, SP कितना है 495, CP कितना है x, इसको लग ले आएंगे तो x अपॉन 10 प्लस x इज इक्वल टू 495, सिंप्लीफाई कर लो, ये वही हो गया, देखो 11x अपॉन 10 इज इक्वल टू 495, यहां से x की वैल्यू निकाल दो 450 ही आएगी, बिल्कुल एग्जैक्ट, चाहे आप ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, बोथ ऑफ द वे आर करेक्ट, दोनों ही सही होंगे, गलत कोई नहीं होगा। इसको हमने डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके निकाल दिया है, और इसको हमने भी यूज तो इसमें भी हमने फॉर्मूला किया है, गेन इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, बट उसमें हमने 10% दे रखा था, तो गेन इज इक्वल टू क्या हो गया इसमें, यहाँ पर गेन इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, तो भाई सीपी एक्सलेट किया तो गेन कितना हो गया, सीधी सी बात है, गेन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 10% था तो किसका सीपी का, तो 10x अपॉन 100, ओके। नाउ लुक वन मोर क्वेश्चन, द नेक्स्ट वन इज अ 28, टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल, टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर ईच 5 मीटर लेस देन, 5 मीटर क्या है लेस किससे, ट्वाइस द थर्ड साइड, क्वेश्चंस को अगेन अगेन पढ़ना, मतलब 2-5 मीटर लेस है ट्वाइस द थर्ड साइड, इफ द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, जो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल है इज 55 मीटर है, पेरीमीटर का मतलब सम ऑफ ऑल साइड, तो फाइंड द साइड्स ऑफ ट्राइंगल, तो देखो साइड्स ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको देखो एक तो ट्राइंगल बनाया हमने, इसमें लेट करो थर्ड साइड एक्स है, टू इक्वल साइड दे रखी है कितने, 5 मीटर लेस ट्वाइस द थर्ड साइड, तो ये हो गए दोनों 2x-5, तो लेट करेंगे थर्ड साइड कितनी आ जाएगी x, और ईच इक्वल साइड कितनी आ जाएगी, ईच इक्वल साइड क्या कहा था 5 मीटर लेस, 5 मीटर किससे ट्वाइस थर्ड साइड से, तो 2x-5, तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन तीनों का सम, फर्स्ट साइड प्लस सेकेंड साइड प्लस थर्ड साइड, तो एक साइड ये हो गई एक ही एक ही, पेरीमीटर का मतलब सम ऑफ ऑल साइड कितना है इनका, पेरीमीटर 55, पेरीमीटर का मतलब सम ऑफ ऑल साइड, इसको सिंप्लीफाई कर लो, जो x आएगा वो थर्ड साइड आ जाएगी, तो 2x 4 एंड 1 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 55, तो 5x आ गया 65, जाके प्लस का हो जाएगा ये, और x आ जाएगा 13, तो 13 क्या आ गई आपकी थर्ड साइड, तो देयरफॉर थर्ड साइड x आ गई 13, और दो साइड क्या आ गई, एंड ईच इक्वल साइड कितनी आ गई, कितनी थी 2x-5, ठीक है, तो मतलब 2 × 13-5 26-5 21, देखो एक आ गई आपकी 13 21 21, वेरीफाई करना जरा, 21 + 21 + 13 42 + 13 दैट इज 53, ये 55, यस इज इट इक्विवेलेंट टू द गिवन पेरीमीटर, इट्स ओके, यस। नाउ लुक वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन इज अ टू लेंथी ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन भी एक लेंथी है और इनके आंसर्स भी थोड़े ठीक ठाक है, बट हैं इजी, डिपेंड द आप क्वेश्चन को किस हिसाब से पढ़ रहे हो, यू हैव टू डिवोटेड द मैक्सिमम टाइम टू अंडरस्टैंड एंड रीड द क्वेश्चन केयरफुली, जब क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो फिर ऑटोमेटिकली क्वेश्चन बनने लग जाती है, देखो कैसे ध्यान से पढ़ो, देखो अ मैन ट्रेवल
3/5 ऑफ जर्नी बाय रेल, ठीक है, एक मैन ट्रेवल करता जर्नी को कितना, 3/5 ऑफ जर्नी बाय रेल, एंड 1/4 बाय टैक्सी, 1/4 बाय टैक्सी, एंड 1/8 बाई बस, 1/8 कैसे ट्रेवल करता है वो बस से, एंड रिमेनिंग 2 किलोमीटर ऑन फुट, और जो बची हुई जर्नी है 2 किलोमीटर वो फुट मतलब पैदल चलता है। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ हिज टोटल जर्नी, मतलब टोटल कितना चला, तो भाई हमें पता ही क्या टोटल कितना चला, तो हम लेट करेंगे वो टोटल जर्नी जो चला वो एक्स किलोमीटर चला, तो लेट द टोटल जर्नी ट्रेवल, टोटल जर्नी ट्रेवल इज इक्वल टू एक्स किलोमीटर, क्लियर। अब देखो वन बाय वन, बाय रेल, जर्नी बाय रेल कितना चला रेल से, 3/5 ऑफ टोटल, तो मतलब 3x/5, फिर बाय टैक्सी, जर्नी बाय टैक्सी कितना चला टैक्सी, 1/4 मतलब 1x/4, एंड बाय बस, जर्नी बाय बस 1/8 तो मतलब 1/8x, 8 करना देते हैं, एंड रिमेनिंग 2 किलोमीटर और ऑन फुट मतलब पैदल 2 किलोमीटर, तो बताओ टोटल जर्नी कितनी थी। तो जितना भी इसने कवर किया, रेल, टैक्सी, बस और पैदल, वो किसके इक्वल होगा, टोटल जर्नी के इक्वल होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ कर देता हूँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इज इक्वल टू 3x/5 प्लस x/4 x/8 प्लस 2, मतलब टोटल जर्नी इज इक्वल टू जर्नी बाय रेल, जर्नी बाय टैक्सी, जर्नी बाय बस एंड ऑन फुट, बस सिंप्लीफाई कर दो, जो आएगा सॉल्व करके इसको वो क्या होगा हमारा आंसर होगा, क्लियर। तो नाउ x इज इक्वल टू, यू कैन टेक एलसीएम हियर, कितना एलसीएम आ जाएगा इन सबका, 20 40, ठीक है, तो 40 एलसीएम ले लिया हमने, इसमें कितना आ गया, 5 8 40 24x प्लस 10x प्लस 5x प्लस 80, इसको ले लो 40x, ये x है, 40x इज इक्वल टू कितना हो गया, देखिए 24 एंड 10 34 एंड दिस 39x प्लस 80, इसको ले लो x इक्वल टू आ गया 80 किलोमीटर, क्लियर। तो ये टोटल जर्नी ट्रेवल बाई हिम इज कितना, 80 किलोमीटर। होप समझ में आ रहे होंगे आपको ये क्वेश्चन, आप इसमें ज़्यादा नहीं बचे हैं, इसमें थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं, अब आपके ये रह गए हैं आपके क्वेश्चन 33, 34 और 35। तो मैंने 33 और 34 तो हिंट दे रखा है एज इट इज, 34 तो जैसे अभी मैंने ये वाला करवाया, 33 मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में करवा दिया था, 35 छोड़ दिया था, ठीक है, मैं 35 आपको और करवा देता हूँ अभी इसमें। ये कौन सा क्वेश्चन था आपका, 7D का 32, ठीक है, 80 किलोमीटर है, मैं 35 और करवाता हूँ आपको, देखो ये एक मिनट के लिए मैं, नाउ लुक द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, इन दिस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इन दिस क्वेश्चन व्हाट इज गिवन हियर, हियर गिवन द हाउ मच प्योर एल्कोहल मस्ट बी एडेड, How much pure alcohol must be added to 400 ml of 15% solution to make itself 32%? मतलब हम एक प्योर एल्कोहल में जो है 400 ml का प्योर एल्कोहल 15% solution में कितना ऐड करें, मस्ट बी एडिड टू 400 ml में हम कितना ऐड करें 15% solution में कि उसकी स्ट्रेंथ जो है वो कितनी हो जाए 32%। तो सो सिंपल, तो वी कैन लेट x ml सॉल्यूशन मस्ट बी एडिड टू मेक स्ट्रेंथ 32%, इज इट। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें तो किस पे ऐड करना है हमें, 15% ऑफ 400 में कितना ऐड करना है, एक्स ऐड करने पर इसकी स्ट्रेंथ जो है वो किसके इक्वल हो जाए 32% के, जो 32% होगा वो किसका होगा भाई, 400 तो था ही था, तो मतलब 32% ऑफ 400 प्लस x, बस जिसने ये बना लिया क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यू कैन सॉल्व इट।
वेरी इजिली. 15% ऑफ 400 का मतलब कितना हुआ? 15 × 400 परसेंटेज आगे नीचे क्या लगाओगे? 100 प्लस x इज इक्वल टू सेम 32/100 × 400 प्लस x. देखो ये कट गई, ये आ गया सीधा सीधा 60 प्लस x इज इक्वल टू. अब देखो इस ये वाला 100 है ना, 32 को तो अंदर मल्टीप्लाई करो, 32 × 400 32 × x/100 और इस 100 को इधर मल्टीप्लाई करो cos, तो cos मल्टीप्लाई करोगे तो ये जाएगा 6000 + 100x इज इक्वल टू. इन दोनों की मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, उसके नीचे बन लगा देते हैं, इनकी मल्टीप्लाई आ गई 4 × 8 4 × 3 = 12 00 प्लस 32x. अब आप इनको कंबाइन कर दो, मैं यहां कर देता हूं इसको, 100x माइनस कितना रहा, 100x माइनस आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, यहां कर देता हूं, ये यहां से 100x माइनस 32x इज इक्वल्स टू 12800 माइनस 6000. ओके कितना बचेगा यहां से भाई, 100 से 32 जाएगा कितना बचेगा, 68 is equals to 12800 में से 6000 माइनस किया तो कितना बचा, 6800. x is equal to आ गया 6800/68, काट लो 100 ml, मतलब 100 ml of solution हम इसमें ऐड करें कि its strength जो है इट मेक्स 100 ml, हम इसमें ऐड करें कि इसकी स्ट्रेंथ जो है वो कितनी हो जाए, 32%. तो सो द स्टूडेंट्स गाइस, आपका चैप्टर ये खत्म हो गया रेमेडियल क्लासेस का. मैंने कोशिश की है इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ द क्वेश्चंस ले लूँ, वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है, अभी कुछ क्वेश्चंस और भी लेने थे, बट यू कैन डाउट, आप डाउट पूछ सकते हो, जो भी होगा तो मैं आपको बना के भेज दूंगा या फिर यूट्यूब पर उनके डाउट्स की अपलोड कर दूंगा. ठीक है, ओके बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.